डौलामेटी सम्राट अशोकनगर में 7 दिवसीय भागवत कथा संपन्न। डौलामेटी के सम्राट अशोकनगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में सदगुरु भक्ति भजन मंडल की ओर से दिनांक 2 से 8 मार्च तक भागवत कथा ज्ञान का आयोजन किया गया। आयोजन का यह तीसरा वर्ष है। समिति के सदस्य निर्मला राउत ने कहा, 2 मार्च से 8 मार्च तक बंसोड़ मैडम द्वारा भागवत कथन का वाचन किया जाएगा। आसपास के गांव के महिला भक्तों के उपस्थिति में सदगुरु भक्ति मंडल की ओर से दुर्गा माता मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सम्राट अशोकनगर, सिद्धार्थ सोसाइटी, राठी लेआउट, डॉक्टर अम्बेडकर नगर होते हुए मंदिर परिसर में समाप्त हुई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण हुआ। सदगुरु भक्ति मंडल के कार्यकर्ता इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित थे। दुर्गा माता मंदिरामध्ये 2 मार्च पासून 8 तारखेपर्यंत भागवत कथा चालू होती। बनसोडबाईंनी भागवत कथा वाचली आणि महिला मंडळाचे पैसे गोळा करून भागवत केला। आता ही तिसरी वेळ आहे ती भागवत करायचे आणि 8 तारखेला समाप्ती होती। महाप्रसाद आणि शोभायात्रा निघाली आणि शोभायात्रा झाल्यानंतर मग महाप्रसाद झाला। INBCN के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।